हम चूँकि बहुत फुटवर्क किया, हमने बेशुमार इस पर प्रोग्राम्स किए, तो हम कुछ नतीजों पे पहुँचे। वो नतीजे ये थे कि जहाँ से चीज़ें डिमोलिश हो जाती हैं, वो डिमोलिश हो भी तो आवाम को सहूलत इस वजह से नहीं मिलती कि पार्किंग प्लाजे नहीं हैं और मैस उसी तरह रहता है सड़कों पर, सड़कें ब्लॉकेज रहती हैं। मेयर साहब ने भी कुछ प्लाजे बनाने की जो है शुनीत दी थी, लेकिन वो भी पाए तकमील तक ना पहुंच सके। तो इस पे पॉलिसी साजी की ज़रूरत है, तो इस पे कोई आप लोग सारे मिल के साहब को ऑन बोर्ड लेके काम कर रहे हैं और इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन की कमी है। जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब ने बड़ी ट्राई की, उनके होते हुए इदारे ऑन बोर्ड आए, वो सबको बुला लेते थे, सबको इकट्ठा करते थे, जो साबिक डीसी हैं उनके साथ भी, आपके साथ भी इसी तरह। तो इस कोऑर्डिनेशन को आप बेहतर बनाने के लिए क्या कर रही हैं और प्लाजों का क्या करेंगे? आपकी बात सही है, मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी इज रिक्वायर्ड इन दिस रिस्पेक्ट। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये कॉन्टिन्यूसली होना चाहिए। जो आपके इंक्रोचमेंट है उसमें दो तीन तरह के इंक्रोचमेंट, एक पक्का और एक टेम्प्ररी इंक्रोचमेंट। हमें सबसे पहले तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने एरियाज विकेट कराएं, जो लैंड इलीगली ऑक्यूपाइड है उसको हम विकेट कराएं। नंबर टू पे हमारा रोल है, जहाँ पे हमारी ये जोनल ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, कि हम जितनी भी आपकी टेम्प्ररी इंक्रोचमेंट है इसको रिमूव करवाएं। ये जो पार्किंग प्लाजाज हैं, दे आर द नीड ऑफ द टाइम, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीनियर मिनिस्टर ने भी मीटिंग की है, तमाम स्टेक होल्डर्स को उन्होंने लिया है, LDA इन्वॉल्व हैं, हम हैं, सेक्रेटरी बल्दियात हैं। उसका मकसद यही है कि अब हम इकट्ठे होकर एक स्ट्रेटजी इवॉल्व करें और आवाम की सहूलत के लिए काम करें। पहली बात तो यह है कि इस चीज़ को मैं एडमिट करूँगा कि लाहौर में से तजावजात का मसला जितना सीरियस हो चुका हुआ है, जब तक सारे सर जोड़कर नहीं बैठेंगे ये मसला हल होने एक निकाती फॉर्मूला इसका मेरे साथ। हाँ जी, एक निकाती जी जी, आप पार्किंग प्लाजा बनाए, उनका पार्किंग प्लाजा, उनकी आपने दुखती रग पे पार्किंग प्लाजा छेड़ दिया, उनको शामिल के ताजरों को गारंटी दी हुई थी कि मैं पार्किंग प्लाजा बनवाऊंगा। आपने ढेर सारी मीटिंग्स की मेरी, आप सुने ना, एक मेरा ये पैशन था कि मैं कम से कम शुरू शुरू में एक जो है पार्किंग प्लाजा बना दूं, और जो 10-11 साइट्स हमने सिलेक्ट की हैं, मेरे से पहले सिलेक्ट हो चुकी थी, आई वॉज एस्टोनिश्ड कि कोई भी साइट लीगली क्लियर नहीं थी, और जिसके ऊपर मेरी एक ड्रीम थी, डिजाइन बन चुके हैं, सारा कुछ हो चुका है, आर्किटेक्ट्स के लिए हमने PND से टेंडरिंग करा के वो दो कॉन्ट्रैक्टर भी आ चुके हैं, बट सरकारी अफसरान ने कहा, उसमें मेरे अफसरान भी शामिल थे, कि जब तक इससे लिटिगेशन खत्म नहीं होगी नहीं हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर आकर बात रुक गई। जस्टिस अकबर कुरैशी साहब को मैंने सबमिशन की, मैंने कहा जनाब वो केस आपकी अदालत में लगा हुआ है, उन्होंने भी कोशिश की, बट कानून के रास्ते में भी बहुत सारे मराहल होते हैं जिनसे गुजरना होता है, ये मैंने मेयर बन के ज्यादा सीखा है। वो सारा सिलसिला चल पड़ा था, अकबर कुरैशी साहब जो हैं वो एक बहुत खूबसूरत काम करा के रिटायर हो गए। अब माल रोड तो बन गई है, मगर प्लाजा जो है उसका केस अभी भी हाईकोर्ट में चल रहा है। सरकारी अफसरान कहते हैं जी ठेका नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को जब ये पता चलेगा कि इसके ऊपर लिटिगेशन है, कल को कोर्ट का कोई अहलकार आके रोक सकता है, पुलिस वाला रोक सकता है, तो ही विल नॉट वर्क। तो अभी फिर मैं इस अटैम्प्ट को दोबारा करने लगा हूँ इंशाल्लाह कि हम कोई ना कोई पार्किंग प्लाजा जो है जितनी जल्दी हो सके हम वो बना सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ मैं हूँ फातिह अब्बास खान। आज बारिश के मौसम में अहले लाहौर जो है वो बड़ा खुश है, सारे लोग जो हैं वो बारिश को इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हमारा कंसर्न बड़ा बुनियादी कंसर्न है, और मामला ये है कि ये मार रोड की सर्विस लेन जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं, पूरा मार रोड है, आप मेरे कैमरामैन मेरे राइट पे अगर दिखा सकें तो आपको सिर्फ पार्किंग के अलावा, गाड़ियों के अलावा, इतनी बड़ी तजावजात की किस्म है कि आप सोच नहीं सकते। मतलब यहाँ अगर फैमिलीज इस वक्त आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चाय कॉफ़ी चल रही है, लोग इंजॉय कर रहे हैं, इंटरटेन हो रहे हैं, लेकिन गाड़ी लगाते हुए उनका घंटा डेढ़ ही लगता है, और जो लोग जिनको बड़ी देर बाद मुयसर आता है ऐसा मौसम, और ये खूबसूरत सावन जिन्हें मुयसर आए, इस तरह की सावन की घटा लग जाए, तो फिर इस फरवरी में बारिशें 2013 के बाद अब हो रही हैं। आपको याद होगा अच्छे तरीके से कि लास्ट टाइम फरवरी में 7 फरवरी को पंखे चल पड़े थे और बारिशें जो हैं उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं था, फिर आखिरी स्पेल आया था जो फरवरी के लास्ट में हल्का फुल्का स्पेल, लेकिन गर्मी की इंतहा थी। अब तो लोग आज 20 फरवरी और लोग इस मौसम को इंजॉय कर रहे हैं, और इस मौसम में, इस मौसम ने लोगों पर क्या इम्पैक्ट डाले हैं, चेहरों पे लोगों की स्माइल है, खुशी है, शादमानी है, लेकिन यहाँ आपको नज़र आएगा कि थ्रू आउट जहाँ तक आप चले जाएंगे आपको पार्किंग प्लाजे ना होने की वजह से ये सारी की सारी हालात और ये खिलारा जो पड़ा है मार रोड पर, ये आपको नज़र आएगा। वजह क्या है? वजह यह है कि 11 पार्किंग प्लाजे बनने थे लाहौर में, वो मार रोड पर भी बनना था, वो हार रोड पर बनना था, शेरांवाला गेट भी बनना था,
वो नीला गुंबद वाली साइड पे भी बने थे अनारकली के लोगों के लिए, उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए भी, वो आपको फिरोजपुर रोड पे भी बहुत सारी जगहों पे बनने थे, लेकिन सूरत हाल जो है वो खराबी का शिकार है, अंदरून में भी ना बन सके, इधर भी ना बन सके। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आने वाली नस्लें, सबसे बड़ा इम्पैक्ट, अभी हम ताजरों से बात कर रहे थे, बड़े सीनियर लोग हैं, इनको सियासत की बड़ी नौ हो है, ये पत्ता भी खटके तो इन्हें पता होता है कि अब क्या होने जा रहा है, मुकाफात अमल को बड़ा बेहतर समझते हैं। तो ये बार बार कह रहे थे कि इस सर्द और अच्छे मौसम में भी हमारी सारी जिंदगियां गुजर गई, हम बूढ़े हो गए, बुढ़ापे तक पहुंच गए, लेकिन ये पार्किंग के मसाइल लाहौर में हल नहीं हो सके। लाहौर में पार्किंग का और तजावजात का जिन और देव इस कदर काबिज है कि कोई अमल इसका मुकाबला नहीं कर सका, और किसी भी तरीके से इस जिन से निजात नहीं कोई भी दिला सका बारह दावों के बावजूद। कुछ दिन पहले मेयर साहब से भी हमने गुफ्तगू की, वो भी आप थोड़ी देर पहले प्रोग्राम के इब्तदाई में सुन रहे थे कि उन्होंने पार्किंग प्लाजों पे कितनी बड़ी आह भरी, आह के अलावा यहाँ किसी के पास कुछ नहीं है, और अब तो ये लोग सोचने पे मजबूर हैं कि ये कोई हल निकलेगा भी कि नहीं, और लोग अब ये पूछते हैं कि इतने अच्छे मौसम में भी हमें दो घंटे अगर गाड़ी के लिए पार्किंग ढूंढते ही लगनी है तो हम घर बैठ जाते हैं। तो इस वजह से डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये नॉर्मल से कॉमन इशूज़ हैं। अब फैशन है, दूसरे लोगों से पूछा जाता है कि अच्छा यार तुम्हें अब तक शुगर ही नहीं है, तो ये इस हद तक हालात ख़राब हो चुके हैं। आने वाली नस्लें किधर जाएंगी अगर हमारे इधर रहने वाली जगहों पर जहां ये 40-50 फीट लंबा रोड है, जहां बड़े खूबसूरत तरीके से लोग बैठ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, एंटरटेन हो सकते हैं, गपशप कर सकते हैं, हालात हाजरा पर डिस्कशन हो सकती है, पूरी क्लब फ्रेंडशिप के जो रिवाज होते थे, जो मार रोड के गहमा गहमी हुआ करती थी आज से 20 साल पहले 30 साल पहले, वो अब मादूम हो गई है, वो कल्चर मादूम हो गया, लोग मादूम हो गए, अब वो चिराग तले अंधेरे वाले हिसाब हैं कि मार रोड जो है वहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम तजावजात। यहाँ से थोड़ा टर्न लें आप चले जाएँ हार रोड की तरफ तो वहाँ भी ऐसा है जैसे पंजाबी में कहते खलारा पड़ा हुआ है। इन सारे मौजूद पर आज हम बात करेंगे और देखेंगे कि 11 प्लाजे क्यों ना बन सके, क्या वजूहत हैं और कब बन सकेंगे। ये सबसे बड़ा जो तजावजात का इशू है वो सबसे बड़ा है, रेड़ी वाला तजावजात अगर करता है तो वो कुछ और तरह की तजावजात है, पोर्टेबल है, वो हिला लेगा, वहाँ से रोक लेगा, आगे चला जाएगा, लेकिन ये जो गाड़ी लगा जाता है 20 फीट की गाड़ी, लाखों की गाड़ियाँ लोग लगा जाते हैं, उनके पास लगाने के लिए जगह नहीं है, और ये मार्केट्स अगर बनी, इनमें प्लाजाज बने तो इन पार्किंग के बगैर बहुत सारे प्लाजाज थे, तो ये चीज़ें एड्रेस ना हुई और शहरों की आबादी इतनी बढ़ गई कि अब हालात जो हैं वो खराबी का शिकार हैं। इसी हवाले से हमारे साथ भट्ट साहब मौजूद हैं, आप सदर हैं मार रोड के भी, इसी तरह मीर साहब भी हमारे साथ होंगे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी होंगे, और पार्किंग कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू भी हम लेंगे। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि इस खूबसूरत मौसम में भी आप देखते हैं हालात, तो एक तो उम्र गुजर गई आपकी इन हालात को देखते हुए, तो क्या अब आपसे मैं क्या पूछूं और क्या आप बताएंगे, क्या है आपके पास कहने के लिए इन मसाइल को एड्रेस करने के वाले से? देखें सारे हालात से पिछले 40 साल से तो मैं खुद देख रहा हूं और हल की तरफ आए, क्योंकि मसाइल तो जो हैं सबको पता है, लेकिन ये मसाइल हल कैसे होंगे? मेरे ख्याल में सबसे पहले तो ये जो पार्किंग कंपनी है इसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पार्किंग कंपनी कुछ भी दे नहीं पाई स्वाय इसके कि बड़ी बड़ी तनख्वाहों वाले बड़े बड़े पेट वाले जो सरकारी अफसरान हैं उनको ये डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो लीज पे जगह दी लाहौर में और खसूसन माल रोड में भी, तो वो अब मैं चाहूंगा कि मेरे व्यूअर्स साथ साथ हालात भी देख लें, मेरे साथ आइए, आप भी आइए जी सारे, इमरान मलिक साहब भी साथ हैं जी, आपको दिखाएं ये सूरत हाल है क्या, कहीं भी आपको ऐसी जगह नहीं मिलेगी। पहले यहाँ से शुरू होते हैं, ये सारी जगह खाली है, ये सारी जगह खाली है और गाड़ियां देखे पीछे हटके लगा दी है, और जगह जो है वो आगे आ पाए तो ये जगह जो है एक गाड़ी के लिए बामुश्किल जगह है, और जबकि ये डबल क्रॉसिंग है, ये देखें यह गाड़ी है और ये गाड़ियाँ कितनी हट के लगी हुई हैं। इसकी वजह यह है कि ये जो पार्किंग वाले हैं ये वहाँ पे इंक्रोचमेंट करवाते हैं और वहाँ पे पैसे लेते हैं, तो अगर ये कंपनी जो है वो ख़त्म हो जाए तो मेरे ख्याल में प्राइवेट सेक्टर इसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है। सबसे पहले तो मैंने ये बताया, और क्योंकि डिप्टी कमिश्नर साहब ने रिटर्न एग्रीमेंट जो किया था वो एक थोड़ी जगह का किया था, और ये सारा रोड जो है वो ब्लॉक कर देते हैं। जो हमारे हाई कोर्ट के जज हैं अली अकबर
कुरैशी साहब ने भी एक ऑर्डर किया था कि इनके खंभे लगाएं और जितनी जगह है ये देखें, ये जो जो गाड़ी है ये यहाँ तक है, उसी तरह वो गाड़ी और मोटरसाइकिलें वो आप देख रहे हैं कि ये सारी इनक्रोचमेंट है, ये इनके पास जगह नहीं है और ये डबल गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं पार्किंग में और उसके अलावा जो मोटरसाइकिलें भी हैं और फिर ये जो तंबू आपने देखा वो लगा हुआ है, ये इनक्रोचमेंट कोई किसी को भी खुदा का खौफ नहीं है कि ये देखें आप सामने छतरी लगी हुई है और वो उसके नीचे कोई शकरकंदी बेच रहा है, कोई चकोरी बेच रहा है, कोई ड्राई फ्रूट बेच रहा है और इसको पूछने वाला कोई नहीं है। तो ये तो आपको नजर आएगी क्या जी, ये आपको दिखा सके अगर मेरा कैमरामैन, तो आप देखें कि पीछे पूरे का पूरा स्टैंड लगा हुआ है जो मोटरसाइकिलों का स्टैंड है। उस्मान चौहान साहब पार्किंग की तरफ से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, ओहदेदार हैं। बहुत शुक्रिया चौहान साहब। चौहान साहब खैरियत से हैं आप? आप ठीक हैं? सेहत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम इंजॉय कर रहे हैं? हाँ जी। तो आप शहरियों को भी मौसम इंजॉय क्यों नहीं करने देते? सर वो भी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो बेचारे, डेढ़ घंटा तो इधर गाड़ी पिसा के बैठ जाते हैं। सर असल में कैपेसिटी का इशू है, ये सबको ही पता है यहाँ पे कैपेसिटी का इशू है और हमारी डिमांड ज्यादा है। जान मलिक साहब, डिमांड जब ज्यादा होती है लोग पीछे आके खुद ही ओवर पार्किंग करते हैं, हम नहीं लगवाते, हम उनको हटाते जरूर हैं, लगवाते नहीं हैं हम। नहीं इधर सिंगल लेन भी हो चलो समझ आती है, ये तो चलती है, जो पीछे गाड़ियां लगी उनको हम टोकन नहीं देते। वो क्यों लग गई फिर? लगाते हैं वो, ट्रैफिक पुलिस आके हटा दे उनको, हम तो हटा के वो तो लड़ते हैं, सिटीजन ऑफ लाहौर लड़ना शुरू कर देते हैं तो आके हटा दें वो, ट्रैफिक पुलिस हटाए, मतलब हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी तो नहीं है ना, लॉ इन्फोर्समेंट तो ट्रैफिक पुलिस ने करनी है। नहीं, आपका आपका कम्युनिकेशन फिर गैप होगा ट्रैफिक पुलिस से। हम उन्हें बताते रहते हैं, लूप में आ रहे हैं तो वो तो बड़े अच्छे लोग हैं, रिक्वेस्ट करके मान लेते हैं, बात हटा भी देते हैं, उनसे कह के रिक्वेस्ट करते हैं, डेली रिक्वेस्ट करते हैं, हटाते भी हैं। जी इमरान मलिक साहब, फिर ये सिर्फ पैसे इकट्ठे करते हैं, इनको पैसे इकट्ठे करने के अलावा कोई काम नहीं है। यही काम अगर प्राइवेट सेक्टर में चला जाए तो वो ट्रेंड लोगों को रखते हैं, जगह तो उनके पास भी नहीं होगी, प्राइवेट भी होगा जगह, देखे ना ये बड़ा आसान करते हैं, ये कहते हैं कि आपकी जगह है, हुकूमत की जगह है, उस मेरी गुजरने की जगह है, आपके गुजरने की जगह है, तो आमदरफ्त का जो वॉयलेशन है उसको मलूजे खातर ना रखते हुए भी ये क्या करते हैं, कहते हैं कि आप इधर गाड़ी खड़ी करें, हम पर्ची काट देते हैं, सिंपल, जगह तो है नहीं पार्किंग के लिए। यही मैं कह रहा हूँ ना कि इनकी वजह से ट्रैफिक डिस्टर्ब होती है और ये अनट्रेंड जो लोग हैं मौके पे तो ये नहीं आते, ये तो दफ्तरों में बैठे हैं। चौहान साहब से आप पूछेंगे भाईजान मुझे जगह दें, मैं उधर गाड़ी लगवा देता हूँ। हाँ तो लेकिन बात ये वही है ना कि अगर ये ट्रेंड हों लोग और इनको पता हो कि इनकी क्या हदूद है तो उसके मुताबिक सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। और जो पार्किंग प्लाजा की बात है वो भी जो हुकूमत कहती है वो अभी तक कर नहीं पाई, ठीक है, जो सिटी गवर्नमेंट कहती है वो कर नहीं पाई, इसका भी एक ही सलूशन है कि ये भी प्राइवेट सेक्टर को दें और जगह प्रोवाइड करे गवर्नमेंट और ताजर इकट्ठे करके आपस में पैसे जो दुकानदार हैं वो उसमें प्लाजा बनाए। ताजरों का कट तो सारी उम्र हमें होगी, सुनते ये ना हो सका, ये होगा ना, ये तो सियालकोट के ताजर आपसे फिर बेहतर है जिन्होंने एयरपोर्ट बनवा लिया था। यही तो मैं कह रहा हूं, आप लोग ताजर क्यों नहीं करते, इसलिए नहीं करते, आप हुकूमत को आप देखे ना इतने मुखय्यर हजरात हैं, आप प्लाजे पुलिस बनवा के हुकूमत को दे दें कि भाईजान इनको रेगुलेट करें और किसी तरीके से रेवेन्यू आप लोग वापस डिस्ट्रीब्यूट कर लें, कोई मैकेनिज्म तो हो, वो कहेंगे तो हम करेंगे ना। आपका इस तरह तो आपका सबसे ज्यादा नुकसान होता है, बिजनेस आपका इफेक्ट होता है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है ना। मलिक साहब क्या हाल है आपके? मौसम आप इंजॉय कर रहे हैं, शहरी मौसम इंजॉय नहीं कर पाते इन झंझटों की वजह से, जो बंदा गाड़ी इधर फंसाएगा वो कैसे निकलेगा सारा दिन? बिल्कुल फास साहब, इस वक्त शहर लाहौर में सबसे बड़ा मसला जो है वो पार्किंग स्टैंड, और इसमें इस वक्त पार्किंग स्टैंड का जो अज़ा है, अगर मैं ये कहूँ कि इधर पार्किंग के हवाले से इमरजेंसी नाफिज ना की गई तो हालात और 3-4 साल में खराब हो जाएंगे, हाथ से अब भी हालात निकल चुके हुए हैं, हालात निकल गया, आपने सर्विस लाइन दिखा दी, पीछे रह के गया सारी सर्विस लाइन जो है वो सुकड़ गई है, कोई बंदा यानी कि आप देखें पीछे 4 गाड़ी सर्विस लाइन पे लगी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल, और ये देखें कि शहर लाहौर में इस वक्त 224 जो मेरी अपनी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 224 पार्किंग स्टैंड है, 199 जो पार्किंग स्टैंड है वो पार्किंग कंपनी चला रही है, कुछ आउटसोर्स हैं, कुछ ये लोग खुद इससे कर रहे हैं। देखें ये रोड मैं साथ ये देखें ना, ये पीछे दिखाएं जी, मेरे कैमरामैन दिखाएं, आप थोड़ा जूम चले जाएं कैमरामैन साहब, तो नजर आएगा यहाँ सूरत हाल ये है कि बाइक स्टैंड बना पड़ा है। ये बाजार कितना खूबसूरत है, कितना हसीन बाजार है, और इसमें आप देखें कि लोगों के गुजरने के लिए आमदोरफ्त के मसाइल हल हो सकते हैं, बड़ा खूबसूरत हो सकता है, डिसिप्लिन हो सकता है, लेकिन आपके पास कोई इधर प्लाजे मौजूद नहीं है, इधर
प्लाजा मौजूद होना चाहिए ताकि हारोड को, मार रोड को, ये वो इलाका है जो बड़ा, बिल्कुल हम पैनोरामा के सामने भी खड़े हैं और हारोड हमसे वॉकिंग डिस्टेंस पे है। हारोड आप चले जाएं तो आपको 20वें प्रोग्राम के इब्तदाइया में आपको दिखा रहे थे कि जब पार्किंग प्लाजा की हम बात किया करते थे, जब हम बात करते थे तजावजात की, तो उस वक्त हालात क्या थे। और अदलिया के बीच में आने के बावजूद, बड़े बड़े फैसलों के बावजूद, पार्किंग प्लाजे नहीं अब तक बन सके और ये मामला डेडलॉक का शिकार भी है। और इसके लिए बजट भी चाहिए, इसके लिए ज़मीनें भी चाहिए, इसके लिए बड़ी प्लानिंग भी चाहिए, बड़ी दूरंदेशी भी चाहिए, लेकिन वो सारी चीज़ें मिल नहीं रही। दिमाग भी चाहिए जो कि हमारे नुमाइंदों के पास नहीं है। ब्रेन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें तब होंगी जब सिंसियरिटी और प्लानिंग होगी, जो कि इस वक्त तक नामुमकिन सी बात लगती है। ये अभी आपने सारा देख लिया कि यहाँ पे अगर पार्किंग प्लाजा हो तो कितना इजी से ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं। एम्बुलेंस नहीं गुजर सकेगी, लोग इधर फंस जाते हैं रोज की, ऐसे कितने मसाइल हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हो पाते तो इन वजह से। ये देखे ना, ये अब ये जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है, जिसको हम वार्डन्स कहते हैं, जिनके हेड CTO है, उनको चाहिए ना ये सारा मैनेज करें, खाली TV पे बैठ के बातें ना करें, यहाँ आके देखें और फिजिकली इस पे एक्शन लें। जी जो अंतर कुछ कहने लगे थे। हम लोगों ने लाहौर में तकरीबन 11 पॉइंट्स पे हम लोगों ने प्रपोज किया है, लैंड एक्विजिशन के लिए रिक्वेस्ट भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भेजी है। जैसे ही हमें वहाँ से एक्विजिशन ऑफ लैंड हो जाएगी, उसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन का वर्क जो प्रोसीड करवाएंगे।